से परमाणु बम बनाया और अब वहां चोर बाजार में नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला एटम बम बेचने की मांग तेज हो रही है। कहा कि ये लोग इतने मजबूर हो चुके हैं और इतने मकरूज हो चुके हैं कि ये लोग पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने को तैयार है। हमारा बदनसीबी ये है कि हम ऊपर से भी भिखारी हैं। हमारे हुक्मरान जब इक्तदार संभालते हलफ लेते हैं निकल पड़ते हैं, मुल्क दर मुल्क भीख मांगते हैं और शहबाज शरीफ साहब तो कह चुके हैं हम भिखारी हैं और भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होती। बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। आपको पता है भारत ने IMF से क्या पहली दफा तकाजा किया है? हालांकि वो उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल है भारत, वो ये कह रहा है कि अगर इनको लोन दिया जाए तो ये इस बात की गारंटी ली जाए कि ये लोन डिफेंस में नहीं जाएगा। डॉक्टर अंकित, आप ये कह रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का टारगेट की प्लानिंग 1000 साल तक है आगे। आसान है पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाना, ये कितना आसान है कि आप पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना सकते हैं जो करोड़ों की तादाद में लोग आपके लिए वोट दे देंगे, इसलिए नहीं कि आपने कारकर्दगी दिखाई है। नरेंद्र मोदी की बात करें तो पता चलता है भाई उस बंदे ने इकॉनमी को 5वें नंबर पे लेके आया है दुनिया में। हमें पता चला है भाई नरेंद्र मोदी जो है वो उसने जो इंडियन जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको दुनिया में 4थे नंबर पे लेके आया। तो मैं कहूँ भाई ठीक है जी, बड़ी बात है, डिलीवर किया है। मैं आपको बताता हूँ ये पाकिस्तानी जो है ना ये दोगले क्यों हैं। दोस्तों कई पाकिस्तानी मुझे फ़ोन करते हैं, मेजर साहब आप बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत सख्त बोलते हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए, लहजा अपना थोड़ा सा नरम रखिए। कैसे नरम रखूँ लहजा यार, सोचो। गया पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक यही चीज है कि न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, बस। अगर ये नहीं रहेगी ना तो समझ ले कि हम जो है ना वो बिल्कुल खाली हैं। तो हम ये सारी चीजें सुन के वो आर्टिकल पढ़ के जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपना एटम बम बेच दिया है, बेच दिया। तो ये मैं बयान दिया है कि ये लोग इतने मकरूज हो गए हैं, ये लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। तो इतनी चीजें बेच रही हैं तो ये बेचते हैं, उन्हें शर्म तो नहीं आएगी कि आया पाकिस्तान इस वक्त कितने बैकफुट पर मौजूद है, क्योंकि शराइत तो उनकी अपनी जगह मौजूद होंगी। पाकिस्तान के पास कितना स्पेस है सर कि वो कितनी शराइत मान सकता है? और आपको पता है तालिबान के स्पोक्सपर्सन ने क्या कहा उस मीटिंग पे कमेंट करते हुए? उन्होंने कहा हम यूनिपोलर वर्ल्ड में नहीं रह रहे। हाँ। ये कहा है सबीउल्लाह मुजाहिद ने। प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं, ये जो इलेक्शन है 2024 वाला, ये ग्लोबल लीडर का इलेक्शन हो रहा है, ये हम नेशनल लीडर इलेक्ट करने नहीं जा रहे। तो जब हम ग्लोबल लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो ना सिर्फ वो बड़े चेंजेस भारत के लिए प्लान्ड है बट वो बड़े चेंजेस पूरे विश्व के लिए प्लान कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि खबर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो वायरल हो रही है, और खबर ये है कि जो IMF की टीम है जो पाकिस्तान में आई हुई है उसके सामने जो है वो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर जो पावर उसके पास वेपन है उसको उसके सामने जो है वो कहीं ना कहीं सरेंडर कर रहा है। दोस्तों इस खबर के आते ही पाकिस्तान में तो हड़कंप मच गया। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कल ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें ये बताया था कि खुद पाकिस्तान ये बात मान रहे थे कि जो खुद पाकिस्तानी वो ये बात कह रहे हैं कि जो हमारा वेपन है वो आज हम जो है वो IMF के साथ रख रहे हैं, IMF के सामने यानी कि अमेरिका के सामने। और दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तानी ये बात शुरू से कहते हैं कि अमेरिका और भारत की दोस्ती कितनी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं पूरा घुमा फिरा के जो है वो भारत को भजीटने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान जो है वो IMF के सामने जो अपना न्यूक्लियर वेपन रख रहा है वो कहीं ना कहीं भारत के दबाव में ऐसा किया जा रहा है, और पाकिस्तान के पास आज पैसे नहीं है और इसका फायदा जो है वो इंडिया और अमेरिका उठाना चाहता है। दोस्तों अगर तो ये न्यूज सही है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही जो है वो बुरा घटना होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इसी पे गर्व करता है, और अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम भी नहीं रह गया तो पाकिस्तान के पास रह क्या गया, क्योंकि आज इनके पास पैसे नहीं है, कुछ भी चीजें नहीं है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो कैसे और पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो कैसे इस पे जो है वो अपने लीडरों को ही बहुत ज्यादा जो है वो ट्रोल कर रही है, दिखाया जा रहा है। इवन पाकिस्तान के मीडिया पे भी बड़े से लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खतरे में है, इंटरनेशनल पावर्स ये चाह रही हैं कि किसी तरीके पाकिस्तान से न्यूक्लियर प्रोग्राम लिया जाए जिसमें हम कभी इंडिया का नाम लेते हैं कभी अमेरिका का। क्या कहना चाहेंगे? असल में मैं पार्शली भाई से सेकंड करता हूं, लेकिन एक पॉइंट से एग्री नहीं करता। असल में अगर आपने इकोनॉमी को देखना है तो उसको स्टेबल करने के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। उसकी बहुत सी रीजंस है, क्योंकि आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो आपको मदद भी उसी सूरत में करेंगे जब आपके पास एक प्लान होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप चलेंगे तो आपको दोस्त ममालिक भी से हेल्प कर देंगे, फिर आपके पास डॉलर आ जाएंगे या जो भी मामला है। असल में सबसे पहले अगर आप चाहते हैं आप
इसको देखना चाहते हैं कि हमारे एटमी असासे कहीं खतरे में तो नहीं है या रिस्क पे तो नहीं है, उसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा रिजीम चेंज। जो रिजीम चेंज हुआ है, आई थिंक जितना मुझे समझ आया है या जितना हमने सुना है मीडिया पे या जितना उसको फॉलो कर रहे हैं सारे मामले को, मुझे उसमें एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि वो कहीं ना कहीं कोई बिग डील चल रही है। बिग डील में क्या हो सकता है? बिग डील में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, कोई $100 बिलियन की कोई आपको पैकेज आ जाएगा अमेरिका की तरफ से या कहीं भी की वर्ल्ड बैंक या कोई भी बदले में, उसके बदले में आपको IMF या अमेरिका हमसे वो उठा के तो नहीं ले जाएगा, लेकिन कंडीशन कुछ लगा देगा, वो कंट्रोल कर लेगा। लाइक जिस तरह हम कहते हैं हमने ये गिरवी रखवा दिया, वो गिरवी रखवा दिया, तो वो गिरवी रखवा के कोई $100 बिलियन आपको मिलेंगे। एटॉमिक जोन हमारा प्रोग्राम है, वो हम गिरवी रखवा देंगे, न्यूक्लियर पार्क को आप गिरवी रखवा देंगे, या आप देख लीजिएगा। जहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं, मुझे पहले ये नहीं समझ आती थी कि यार ये रिजीम चेंज में इतनी बड़ी डील हो सकती है, लेकिन अभी समझ आ रही है कि रिजीम चेंज उसी तरफ जा रहा है। असल टारगेट की प्लानिंग 1000 साल तक है आगे। देखिए एक चीज तो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, जो मैं 2 साल से बताता आ रहा हूं, और अब तो उन्होंने भी बता दिया उनके इंटरव्यू में, जो डेट वाइज प्लान उनके पास 2047 तक का तो है, वो तो डेट वाइज प्लान है। हाँ, वो उन्होंने मान भी लिया है, लेकिन जब वो 1000 साल की बात कर रहे हैं तो वो उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जिसको हम सनातन बोलते हैं। सनातन मीन्स दैट इज वैलिड टिल इटर्निटी। ओके, तो अगर आपके बेसिक प्रिंसिपल्स जिससे गवर्नेंस होता है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नेंस की बात हो रही है, इंटरनल गवर्नेंस की बात हो रही है, चाहे वो इलेक्शन फॉर्मेट की बात हो रही है, चाहे वो किस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स होगी, बजटिंग की बात हो रही है, किस प्रकार का डिफेंस होगा उसकी बात हो रही है, तो पॉलिसी में ऐसे फंडामेंटल चेंजेस जो आपको 1000 साल तक रेलेवेंट रहेंगे, उस प्रकार के चेंजेस की बात हो रही है। तो और ये बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना चाहिए आलिया जी, बिकॉज 1800 साल से भारत अकेला पूरे विश्व को 27% ऑन एन एवरेज GDP देता था। मतलब लास्ट 2000 साल का जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसके पीछे तो हम जाते भी नहीं, क्योंकि हिस्टोरियंस बोलेंगे उसके पीछे भी 25,000 साल जितना हिस्ट्री है, लेकिन मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि लास्ट जो 2000 साल का हिस्ट्री है उसमें तो सब कोई अग्री करता है कि 1800 साल तक 27% ग्लोबल GDP को अकेले भारत ने दिया। ये तो हर कोई मानता है। तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि हम उस प्रकार के प्लानिंग के लिए केपेबल है। अब समझने वाली इसमें बात यह है कि 1947 में जो हुआ, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकली नेगोशिएटेड इंडिपेंडेंस, 15th August 1947, हम इसको नहीं मानते। हम मतलब जो कोई भी एक सनातन विश्व में बिलीव करता है, जो सबकी अच्छाई के लिए, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात जो करता है पूरे विश्व का, वो कभी अग्री नहीं करेगा 15th August 1947 वाले पॉलिटिकली नेगोशिएटेड इंडिपेंडेंस को। हम मानते हैं कि हमारा सिविलाइजेशनल इंडिपेंडेंस डे जो है वो 22nd January 2024 है, जिस दिन राम मंदिर का जहां पे जो पूरा विधि हुआ। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं सिविलाइजेशनल रिपब्लिक डे का। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की पब्लिक है खुद ही इस बात को कह रही है कि हमारे पास एक एटम बम ही रह गया था, जो न्यूक्लियर हथियार है वही रह गया था, और वही वो भी अगर हम अमेरिका के सामने रख देंगे तो फिर हमारे पास बचेगा क्या और हमारा इम्पोर्टेंस भी क्या बचेगा। दोस्तों, अगर मुस्लिम देशों की बात करें तो पाकिस्तान एक ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर बम है, और ये बात जो है वो पूरी दुनिया जानती है, और इसीलिए थोड़ी बहुत जो इज्जत पाकिस्तान की बची हुई है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन से ही बच रही है। और अगर ये भी जो है वो अमेरिका के सामने अगर वो रख देता है तो फिर पाकिस्तान की मुस्लिम देश, मतलब पूरी दुनिया में क्या मुस्लिम देश में ही उसकी इज्जत नहीं रह जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का जो है वो पूरी मुस्लिम जो देश है उनको ये दिखाता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हम आपके लिए तैयार है। अगर वो चीज नहीं रहेगा तो फिर पाकिस्तान को कोई पूछेगा नहीं, और पाकिस्तान को जो लोन सऊदी अरब या फिर और भी देशों से जो पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम देश होने के नाम पर लेता है वो भी फंडी टूट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान दोनों तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है। अगर वो IMF के सामने जो है वो IMF के बात नहीं मानता तब भी IMF जो है वो उसको पैसे नहीं देगा, और अगर वो वेपन रख देगा तो फिर पूरी दुनिया में उसकी इज्जत कुछ भी नहीं बचेगी, और कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को जो ये डर सता रहा है कि इंडिया हम पे अटैक कर देगा वो भी कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए हिंदुस्तानी।